हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं। उस टॉपिक का नाम है हीरोन का सूत्र। इस सूत्र के जरिए जो है हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हम कईयों रूप से ज्ञात करते हैं, जिस प्रकार से जो त्रिभुज रहता है उस प्रकार से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करते हैं। तो उसी प्रकार जो त्रिभुज का क्षेत्रफल रहेगा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आज हम लोग ज्ञात करेंगे हीरोन के सूत्र के द्वारा। अब हीरोन का सूत्र का त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, वो कैसे ज्ञात करते हैं, इसका सूत्र क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हीरोन का सूत्र का जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, किसके द्वारा, हीरोन के सूत्र के द्वारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है इक्वल टू रूट में एस एस माइनस ए और में एस माइनस बी अगेन एस माइनस सी। अब देखिए सबसे पहले यहां पे क्या दिया हुआ है, रूट में एस। तो सबसे पहले एस के बारे में हम चर्चा करते हैं कि एस मेरा क्या होता है। यहां भी एस है, तो जो एस के बारे में जो हम चर्चा करेंगे वो तुम्हें पता चल जाएगा। उसके बाद फिर ये के बारे में चर्चा करेंगे कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल में ये मेरा है क्या, एस मेरा है क्या, अगेन बी मेरा क्या है, फिर मेरा सी क्या है, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले एस मेरा क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो एस जो होता है वो आपका होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, जिसका फॉर्मूला होता है जो आपका दिया हुआ ए बी सी, तीनों का योगफल डिवाइडेड बाय टू, मतलब दो से भागा करते हैं, तीनों को जोड़ करके दो से हम लोग क्या करते हैं इसमें भागा करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी बटा टू, तो ये जो आपका होता है एस अर्ध परिमाप, ये जो जितना भी मान निकलेगा इसका, जो मान अगर के कहते हैं 20 आया, 40 आया, 60 आया, 24 आया, कुछ भी समथिंग में जो भी मान आएगा आपका, वो एस का मान हम यहां पुट करेंगे, ये इसका निकाल करके एस का मान यहां पुट करेंगे। फिर जो आपका त्रिभुज की जो भुजाएं दी हुई रहती है, ये दिया हुआ रहेगा, बी दिया हुआ रहेगा, सी दिया हुआ रहेगा, फिर तीनों का मान हम लोग इसमें क्या करेंगे पुट करेंगे। जैसे कि मान के चलिए अगर के एक आपका त्रिभुज दिया हुआ, ये मेरा क्या है त्रिभुज, त्रिभुज का नाम दिया हुआ आपका ए बी सी, या कोई भी त्रिभुज आप ले लीजिए, पी क्यू आर एम एन ओ, कुछ भी कोई भी त्रिभुज, जो आप एक त्रिभुज ले लीजिए, और ये त्रिभुज की आपका जो भुजाएं आपका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, तीनों त्रिभुज, ये त्रिभुज हो गया आपका, और त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपका दिया हुआ है, पहला भुजा आपका 12 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा 13 सेंटीमीटर और चौथा तीसरा भुजा जो आपका दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो ये जो भुजाएं, इसको पहली भुजा को हम बोलेंगे ये, दूसरी भुजा को बोलेंगे हम बी, और तीसरी भुजा जो आपका है उसको बोलेंगे क्या सी। तीनों का मान हम लोग को पता चल गया, ए के बारे में पता चल गया, बी के बारे में पता चल गया, किसके बारे में पता चल गया सी के बारे में, अब बच्चा क्या मेरा एस। तो एस के बारे में भी हम पिछले बार चर्चा कर चुके हैं कि एस हम कहां से निकालेंगे, जो त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं मेरा दिया हुआ है तीनों को जोड़ देंगे और दो से फिर क्या करेंगे उसको भागा दे देंगे, तो वो मेरा एस का मान निकल जाएगा। एस का मान पुट करके जो आपका ये दिया हुआ है ये का मान रखेंगे, फिर एस का मान पुट करके फिर जो बी आपका दिया हुआ बी रखेंगे, फिर एस का मान रख पुट करके फिर जो आपका सी दिया हुआ 14 सेंटीमीटर वो सी रखेंगे। जैसे कि आपका यहां बताएं त्रिभुज जो मेरा दिया हुआ था त्रिभुज ए बी सी, उसमें पहली भुजा 12 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 13 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा आपका दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो यहां सॉल्यूशन में इसकी देखते हैं हम, यहां ये किसको बोलेंगे 12 सेंटीमीटर को, तो ये इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। उसके बाद बी जो आपका कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो बी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, एंड आपका तीसरी भुजा क्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो वो आपका कहलाएगा सी, तो सी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया। तो इससे पहले आप इससे जो आपका दिया हुआ है ये बी एम सी जो आपका दिया हुआ है, इससे हम लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को अर्ध परिमाप की आवश्यकता होगी, और अर्ध परिमाप का फॉर्मूला, इसीलिए एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। अब यहां मान पुट करेंगे ये प्लस बी प्लस सी, ये का मान कितना दिया हुआ 12, तो 12 प्लस बी का मान 13 प्लस सी का मान 14 बट्टा में 2। अब इसको जरिए ऐड करते हैं, 4 और 3 7 और 2 9, 1 और 1 2 और 1 3, 39 बाई कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, ये आपका मान निकला। अब इसको हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, तो डिवाइड करते हैं, चलिए इसका देखते हैं डिवाइड में कितना आता है, 2 कम 2
19.5 सेंटीमीटर, ये आपका एस का मान आ गया। अब यही एस का मान हम यहां पुट करेंगे और फिर ए का मान रखेंगे, फिर बी का मान रखेंगे और फिर सी का मान रखेंगे। स्टॉप कर दीजिए।